नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का डिस्कशन का टॉपिक है सूडोसिस्ट। सूडोसिस्ट जनरली एक सिस्टिक कलेक्शन होती है, एक तरीके की सिस्ट होती है जिसमें पानी भर जाता है। ये पानी ज़्यादातर केसेस में एक्यूट पैनक्रेटाइटिस या क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस नामक बीमारी के बाद बन जाता है। एक्यूट पैनक्रेटाइटिस या क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस में पैनक्रियास की सूजन आने की वजह से उसके आसपास कुछ पानी इकट्ठा हो जाता है, और यदि वो पानी बॉडी पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं कर पाए तो वो एक सिस्ट का रूप ले लेती है और उसकी सराउंडिंग में एक वॉल डेवलप हो जाती है। इसी कलेक्शन को, जिसके सराउंडिंग एक वॉल डेवलप हो जाती है, उसको हम सूडोसिस्ट बोलते हैं। वैसे पैनक्रियास में कई तरीके की सिस्ट देखी जाती हैं, जिसमें सिस्टिक नियोप्लाज़म यानी सिस्टिक कैंसर्स भी होते हैं और सूडोसिस्ट भी होती है। मोस्ट कॉमन सिस्ट जो पैनक्रियास में देखी जाती है वो सूडोसिस्ट ही है। सूडोसिस्ट में ज़्यादातर पेशेंट्स को पेट में दर्द होना, भारीपन लगना, उल्टी या उबकाई का मन होना, या कुछ केसेस में एक बहुत बड़ा सा लंप फील होना जो पेट के ऊपरी हिस्से में महसूस होता है, इस तरीके की तकलीफ देखी जाती है। कई केसेस में ऐसा भी देखा जाता है कि पेशेंट खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद उनको वॉमिटिंग लगती है, और कुछ केसेस में पेट में खिंचाव होने के कारण पेट में दर्द या पीठ में दर्द होने की तकलीफ भी देखी जाती है। सबसे पहले अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिनको इस तरीके की तकलीफ़ है और साथ में स्वेलिंग है, तो उसमें हमें सबसे पहले एक अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए ये देखने के लिए कि क्या इनको पैनक्रियाटिक सूडोसिस्ट है। अगर अल्ट्रासाउंड में सूडोसिस्ट आती है तो उसको लोकेशन और उसके एडजेसेंट स्ट्रक्चर यानी उसके आसपास के कौन से ऑर्गन्स हैं, क्या रिलेशन है आसपास के ऑर्गन्स के साथ, उसको देखने के लिए हमें एक सीटी स्कैन या एमआरआई कराना चाहिए। सीटी स्कैन और एमआरआई की रिपोर्ट के बेसिस पे हमें यह पता चलेगा कि सिस्ट की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है और क्या साइज है, उसके अंदर क्या कलेक्शन है, और उसके लिए हमें एंडोस्कोपिक ऑपरेशन करने की ज़रूरत है या लैप्रोस्कोपिक या ओपन सर्जरी की ज़रूरत है, या फिर दवाइयों से मैनेज कर सकते हैं। 75-80% ऑफ सूडोसिस्ट विद टाइम अपने आप रिजॉल्व कर जाती हैं। अगर सूडोसिस्ट 6 हफ्ते यानी कि 1.5 महीने तक भी रिजॉल्व नहीं करी है और इसका साइज़ 6 सेंटीमीटर से बड़ा है, या इसके अंदर नेक्रोसम है यानी कि आसपास का गला हुआ टिश्यू है जो इसके अंदर जमा हो रखा है, ऐसे केसेस में हमें ऑपरेशन करके इसको रिमूव करने की ज़रूरत पड़ती है। सिस्ट को नहीं रिमूव किया जाता है, सिस्ट को ड्रेन किया जाता है इंटरनल किसी ऑर्गन में। जो अगर सिस्ट का रिलेशन स्टमक के साथ अच्छा है तो सिस्ट को स्टमक के साथ ड्रेन किया जाता है, जिसको हम एंडोस्कोपी के ज़रिए भी कर सकते हैं और ऑपरेशन के ज़रिए भी कर सकते हैं। यदि सिस्ट का कंटेंट लिक्विड होता है तो, और रिलेशन स्टमक के साथ बहुत ही अच्छा वेल मेंटेन है, तो ऐसे केसेस में एंडोस्कोपिक अटेम्प्ट किया जा सकता है। इस प्रोसीजर को सिस्टोगैस्ट्रोस्टमी कहा जाता है। यदि एंडोस्कोपिकली पॉसिबल नहीं है या कोई बहुत बड़ी ब्लड वेसल्स हैं उसके आसपास, या नेक्रोसम यानी कि जो गंदा गला हुआ टिश्यू है सिस्ट के अंदर, इन केसेस में ऑपरेशन करके ही उसको किया जाता है सिस्ट को ड्रेन। एंडोस्कोपिकली इसको कंप्लीट रिमूवल करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसके अलावा यदि ऐसा है कि सिस्ट का रिलेशन स्टमक के साथ अच्छा नहीं है, तो ऐसे केसेस में सिस्टोजेजेनोस्टमी करके एक प्रोसीजर होता है, जिसमें एक छोटी आंत का एक हिस्सा ले जाके सिस्ट के साथ लगाया जाता है, जिससे सिस्ट का जो भी फ्लूइड कंटेंट होता है वो ड्रेन हो जाता है और स्टमक में, स्मॉल बाउल में ड्रेन हो जाता है। और जनरली इस ऑपरेशन में पेशेंट को 3 से 4 दिन का हॉस्पिटल स्टे रहता है और दोबारा से सिस्ट बनने की पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं। तो यदि आपको सूडोसिस्ट से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।